खड़े होंगे। एक्शन। मुझे तो समझ नहीं आता तुम ये सब इतना नॉर्मली कैसे ले सकते। मुझे अपना डायलॉग याद है, पिछली बार करी थी ना वो वीरवर को अच्छे रिटेम मारे। वहां पेरेंट्स होने के नाते क्या चल रही है ये जो ले आओ यार स्क्रिप्ट ले आओ। अरे वाह मैडम ने तो आज शॉपिंग करी है। अरे कुछ नहीं बस रूटीन का सामान खत्म हो गया था वही लेने गई थी। अरे तो भाई तुम्हारी कल से तबीयत खराब थी तो रुक जाते इकट्ठे चले जाते। बस घर बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा पास वाली मार्केट से जाकर कुछ सामान ले आऊं घर का। और जब वापस आई सामान लेकर तो क्या हुआ। अरे कुछ नहीं बस यूं ही। तुम बताओ क्या लोगे चाय या कॉफी। अरे बाबा चाय कॉफी सब ले लेंगे पहले ये बताओ तुम क्या सोच रही थी। आज जब मैं मार्केट गई थी तो ये देखने जाती हो क्या तुम मार्केट। देखने नहीं जाती हूँ अनिरुद्ध दिख जाता है मुझे। मुझे नहीं आता तुम्हारी तरह मार्केट में आंखें बंद करके चलना। तुम तो खामखा भड़क रही हो। भाई मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि अगर हर गलत बात को काव्य के साथ रिलेट करोगी तो तुम्हें चिंता तो होगी ना। तो क्या करूं मैं अनिरुद्ध अपने आसपास कुछ भी होता हुआ देखकर उसे काव्या के साथ रिलेट ना करूं। आज हमसे ज्यादा समय वो बाहर बिताती है। आखिर माँ हूं मैं उसकी चिंता तो होगी ही मुझे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता तुम ये सब इतना नॉर्मली कैसे ले सकते हो। हाय पापा। हाय बेटा कैसे हो। बढ़िया आप कब आए। अभी आए। कहाँ जा रही हो काव्या। मामा वो मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी तो मैंने सोचा। वाओ पार्टी अरे कमाल है दैट्स ग्रेट। बेटा हम भी बहुत पार्टियां करते रहे। तुम्हारी मामा ने हमारी पार्टी बंद करवा दी घड़ी दिखा दिखा कर इससे पहले कि वो आपको घड़ी दिखाए ना। कट लो निकलो निकलो। लव यू पापा बाय बाय टाइम से घर आ जाना। ओके मुझे लगता है कि अब चाय की जरूरत शायद तुमको भी है और मुझको भी। अब मैं जरा चेंज करके आता हूँ। चलो आप लोग सब अपना अपना ऑर्डर करो मैं थोड़ा अपना गुलिया डिक करके आता हूँ। तो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग बियर ऑर्डर कर दो। अरे चाय आ गई बटो 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 रख दो चाय रख दो चाय। चलिए पीते हैं चाय। ये लीजिए मैडम आपकी चाय। तुम भी ना अनिरुद्ध काव्या कहाँ जा रही है किसके साथ जा रही है किसकी पार्टी है कम से कम कुछ तो पूछ लिया करो। हद कर रखी है तुमने भी इतनी फ्रीडम देना सही नहीं है अनिरुद्ध। आखिरकार लड़की है वो कुछ तो सोचा करो। कमाल है श्रद्धा थोड़ी देर पहले तुम जमाने को लेकर परेशान थी और अब तुम्हारा नजरिया लड़के और लड़कियों में अंतर करने लग गया। भाई बदल रहा है जमाना मानता हूं मैं इस बात को लेकिन जमाना सिर्फ लड़की के लिए नहीं बदल रहा है जमाना लड़कों के लिए भी बदल रहा है। हमें अगर ध्यान देना है तो लड़के और लड़कियां दोनों पर देना पड़ेगा। और दूसरी बात फ्रीडम इतनी या उतनी नहीं होती है। फ्रीडम या तो होती है या नहीं होती। तो तुम क्या कहना चाहते हो अनिरुद्ध आजकल के बच्चे जहां अपनी परंपराएं और संस्कृति को ताक पर रखकर बैठे हुए हैं अच्छे और बुरे के बीच में अंतर करना भूल गए हैं। वहां हम पेरेंट्स होने के नाते उन पर नजर रखने के बजाय उन्हें समझाने के बजाय अपनी आंखें बंद कर लें
और होने दे जो कुछ भी हो रहा है। श्रद्धा तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। ये जो बदलाव की बात तुम कर रही हो ना, इसे ही जनरेशन गैप कहते हैं। और असल में ये बदलाव हमारे और उनके नजरिए का है। अगर तुम ये सोचती हो कि चौकीदारी कर उन पर नजर रखकर हम इस गैप को भर सकते हैं तो तुम गलत हो। हम इसे भर नहीं सकते, हाँ इसे कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन चौकीदार बनकर नहीं, दोस्त बनकर। तुम्हारी ड्रिंक का है? कैसे आएगा पीयूष? मैम ने स्मूदी ऑर्डर की है, टाइम तो लगेगा ही थोड़ा बनने में। अरे यार काव्या, तभी तो नॉर्मल बिहेव किया करो। पार्टीज में कौन स्मूदी ऑर्डर करता है? तो एक ड्रिंक लेने से तुम्हारी परंपरा और व्यक्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगने वाला। ये तो नॉर्मल है, इवन स्टेटस सिंबल है। ये पीयूष, हो सकता है ये तुम्हारे लिए स्टेटस सिंबल हो, या अपनी अपनी सोच होती है। मेरे लिए स्टेटस सिंबल है मेरी मम्मी डैडी का विश्वास। कुछ भी हो अनिरुद्ध, आखिरकार हम पेरेंट्स हैं। अगर अपने बच्चों को सही और गलत में अंतर हम नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? तुम बिल्कुल सही बात कर रही हो श्रद्धा, ये काम हमारा ही है, उन्हें गलत और सही में पहचान कराना। लेकिन ये चीज हम उन पर थोप नहीं सकते, आखिरकार उनको ही ये चुनाव करना है सही और गलत में, समझे? अच्छा पीयूष, अब मैं चलती हूँ। अरे यार, तुमने ड्रिंक भी नहीं लिया तो डिनर लगने वाला है यार। देखो पीयूष, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हारा बर्थडे था, मैं आ गई, डिनर नेक्स्ट टाइम करूंगी, और आज का दिन हो गया। यार एक दिन लेट जाने से कोई कयामत नहीं आ जाएगी? बात कयामत की नहीं है पीयूष, बात विश्वास और अंडरस्टैंडिंग की है। अगर मेरे मम्मी पापा मुझसे बिना कुछ पूछे मुझे कहीं भी जाने की इजाजत दे सकते, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं अपने घर सही वक्त पे पहुंचूं, की एक्सपेक्टेशन पूरी करूं। तो आज का तो काम खत्म, आपको पता है काश आप होते यार, मजा आ जाता। अच्छा चलो अब तुम खाना खाओ और फिर चेंज करके सो जाओ। ओके। अरे वाह, बड़ी खुश नजर आ रही हो। काव्या आ गई? हाँ आ गई ना। अनिरुद्ध, तुम ना बिल्कुल सही कहते हो, अगर हमें इस जनरेशन गैप को कम करना है तो बच्चे और पेरेंट्स दोनों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी, और फिर थोड़ा हमें उनके नजरिए को समझना पड़ेगा।